सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ठंडी को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं ठंडी में। और आज डेट है 11 जनवरी, सुबह का टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है। मेरा अभी एक दिन ब्लॉग आया भी नहीं है वैसे भी तो। और आज का टेम्परेचर है 14°C, धूप निकली हुई है बट हवा बहुत ठंडी, कोल्ड वेव चल रही है इसलिए ठंडी बहुत ज़्यादा है। वो कोहरे वाली ठंडी इतनी पता नहीं चलती है बट ये वाली ठंडी बहुत फील होती है और बहुत ज़्यादा लगती है मुझे तो। बहुत इस वाली ठंडी में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि वो वाली अच्छी लगती है जब उसमें कोहरा वोरा होता है। और अभी मेरी तैयारी हो रही है नाश्ते की, तो हम लोग जा रहे हैं, बस नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। तो मैं किचन में ही बैठी हूँ, किचन से ही आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है। और बस जस्ट 2 डेज के बाद है मकर संक्रांति, तो आप सभी को एडवांस में ही मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट सुबह सुबह, एकदम से बढ़िया मैगी बना के, बटर मैगी मसाला, खूब सारी मटर डाल के ठंडियों का मज़ा ले रहे हैं। पीछे बैठे हुए हैं सारे लोग धूप में। और आदि की मैगी फेवरेट है तो आदि ने बट आज थोड़ी खाई है उसने, ज़्यादा नहीं खाया। और उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ बाहर है मेरा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन जिसमें हमारे घर में लगी हैं सब्जियाँ थोड़ी सी, अब की बार ज़्यादा नहीं लगी फिर भी लगी हैं। तो ये देखिए फ्रेश फ्रेश बैंगन तोड़ रही है मम्मी, तो आदि देख रहा है उसको बॉल बनाने की सोच रहा है वो। दबाओ मैं ये दबाओ कच के, और दबाओ और दबाओ और दबाओ। और ये देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है आज महावर लग रहा है। तो दिन अच्छा था और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने या घर में किसी ने महावर नहीं लगाया था। तो ये है हमारी सेकंड सासू माँ। तो ये कैसे हैं सेकंड सासू माँ, मैं वो भी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। ये जो पास में बैठी हैं, इनको बेटे नहीं हैं तो इन्होंने जीत को शायद गोद लिया है या ऐसा कुछ है। तो इस हिसाब से वैसे तो हमारी जेठानी है बट उस हिसाब से ये हमारी सासू माँ है, सेकंड सासू माँ, दो दो सासू माँ हैं हमारे। तो महावर लग रहा है उनको, देखिए लग गया है, कैसे अच्छे लग रहे हैं उनके पैर। उसके बाद चिंकी ने मुझे लगाया और फिर वो खुद लगाएंगी, तो हम लोगों ने लगाया है महावर। अचानक से प्लान बन गया, वो आई थी देखने घूमने तो रंग नहीं लगा था काफ़ी दिन, तो मम्मी ने बोला तो महावर लगने लगा, एकदम से प्लान बन गया। और ये मैंने पहना है बेस ग्रीन कलर का, ये मेरा दूसरा बेस है। ये सारे बेस जो हैं वो मुझे छोटी ननद ने मेरी गिफ्ट किए हैं, उनके पास उनकी जो ससुराल है वो उधर ही राजस्थान साइड में पड़ती है तो उनके यहाँ बेस पहने जाते हैं। तो मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको पहने देखा तो मैंने भी उनको बोला, तो उन्होंने मुझे ला के दिए। 2-3 बेस हैं मेरे पास, अच्छा लगता है, बेस में एक अलग ही लुक आता है, एकदम राजस्थान वाला लुक आ जाता है। तो आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है मेरा ये ग्रीन वाला बेस। और अपने हाल चाल भी आप लोग शेयर करिएगा, कैसे हैं आप लोग।
हमें ज्यादा नहीं लगता है, तो मैं दूध देना जहाँ पारो एक तो प्यार हमसे बात ये है फाइनल कड़ा कलेक्शन के चिंकी का है सारी चीजें, इतने सारे कड़े और ये इनकी मेकअप किट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छे कड़ा कौन से लग रहे हैं, और अगर कोई आइटम पसंद हो तो बता देना, हम ऑनलाइन भिजवा देंगे।